हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है क्रिस्पी फ़िश फ्राई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो यहाँ पे फ़िश ली है उसमें कांटे ज़रा भी नहीं हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू का रस, काली मिर्च और नमक। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम एक और पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरा धनिया और लहसुन। इस सबको हम कूट लेंगे, अच्छी तरह से कूट के पेस्ट बना लेंगे। ये एक पेस्ट बन चुकी है, अब हम फिश में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। पेस्ट ऐड कर ली है और अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। मैं ले रही हूँ रोस्ट किए हुए सिंगदाना, रोस्ट किए हुए काजू और हम इसे भी कूट लेंगे दरदरा। तो ये रेडी है। ब्रेड क्रम्स में इसको ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड किया ब्रेड क्रम्स में, काली मिर्च थोड़ी सी, और सिंगदाना और काजू। तो मैंने एक एग भी ले लिया है। तो पहले हम एग में डिप करेंगे हमारी फिश को और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ऐसे ही सारी फिश को अच्छे से कोट करके एक प्लेट में रख देंगे। तो ये हमारी फिश कोट हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी ऑयल ले लिया है पैन में और फिश रख देंगे। फ्लेम को थोड़ी सी स्लो या मीडियम पे ही रखेंगे। बारी बारी से हमें फिश को उलट पुलट करना पड़ेगा ताकि चारों तरफ से वो पक जाए और हमारे ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। अब मैं ऐड कर रही हूँ बटर। थोड़ा सा ऑयल। फिश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हमारी फिश भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर ही पकाएंगे और निकाल लेंगे। हमारी फिश हो चुकी है, अब हम इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए। और आप अपने मनपसंद की किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो